सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की है। दरअसल डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो पहले पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। कृषि जागरण द्वारा 29 जनवरी को एक्सपेक्टेशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम यूनियन बजट 2022 इस विषय पर लाइव सत्र का आयोजन किया गया, जहां कई उद्योग जगत के जाने माने प्रवक्ताओं ने यूनियन बजट 2022 को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हमारा देश जो है, इसमें जो किसानी की बात करते हैं, जो हमारा जीडीपी है, उसमें तो एग्रीकल्चर का शेयर दिनों दिन कम होता जा रहा है। उसका कारण सबको मालूम है, हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है और दूसरे जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो रही है। इसलिए एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स का ओवरऑल, जैसे हम पहले 80% गगन सिंह जी ने बताया, अभी 80% तो नहीं है, लगभग 60-65% लोग जो है खेती बाड़ी में डिपेंड है, लेकिन हमारा शेयर जीडीपी में एग्रीकल्चर का कम हो रहा है। उसका कारण है दूसरे सेक्टर जो है जो वो काफी ग्रो करे, इंडस्ट्री हो भले आपका सर्विस सेक्टर हो। अब खेती बाड़ी में जो किसान है, सबको मालूम है जो डिवीजन, जमीन का डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, उसकी वजह से लगभग 85% लोग जो है वो सीमांत और छोटे किसान है। अब समस्या यहाँ आती है कि ये छोटे को सीमांत किसान है, उनके पास पूंजी भी कम होती है, आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर करनी है, तो हम इनका कैसे विकास कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने जो से 2014 से मैं देख रहा हूँ, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो स्कीम्स मैंने देखी है इनकी, जो इसमें स्पेशली ध्यान दिया गया कैसे हम थोड़ा कलेक्टिव वे में कुछ फार्मिंग के कंसेप्ट लेके आए, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको थोड़ा इन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की। बिहार में उर्वरक खेत तो पहले ही सोना उगल रहे थे, अब प्रदेश की बंजर जमीन भी सोना उगलेगी। इनके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पारंपरिक खेती की तकनीक के जरिए औषधीय पौधों की खेती पर किसान जोर दे रहे हैं। किसानों द्वारा उपजाई जा रही औषधीय पौधों की बाजार में अच्छी डिमांड है, ऐसे में इन्हें बेचकर बिहार के किसान मालामाल हो रहे हैं। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, न केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए बल्कि किसानों को लाभ देने के लिए भी सरकार ने कई बार सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब पालघर तालुका में जामुन उत्पादकों को पेड़ से जामुन तोड़ने के खर्च के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए जिला परिषद के माध्यम से 10 लाख रुपए का प्रावधान भी दिया गया है। मिजोरम के किसान की बेटी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मिजोरम के थिंगसुला में रहने वाली एक छात्रा को प्रतिष्ठित सिंजेंटा स्कॉलरशिप मिली है, जिसके साथ ही वह एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन में अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेगी। मिजोरम की हांगी हिजुली स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली 3.75 लाख डॉलर की मदद से ये छात्र अगले 5 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। टाटा समूह ने एयर इंडिया एयरलाइंस में अपना कारोबार वापस ले लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का नियंत्रण टाटा समूह को सौंप दिया है। एयर इंडिया का फॉर्मल ट्रांसफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर के बीच हुई बैठक में हुआ था। कोमाके ने भारत में अपनी शानदार इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जिसका नाम कोमाके रेंजर है। इसके साथ ही कंपनी ने लंबे इंतजार के बाद अपना 5वां इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी लॉन्च किया है, जो कि वेनिस नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसी तरह की अनेक खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।